What's up, everybody? ना कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं YouTube पर रेगुलर ना होने के लिए। कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में मैं ज्यादा रेगुलरली कंटेंट वीडियोस बनाकर डाला करूं। वैसे आज का ये वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज मेरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के आर्सेनल में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। जो माइक मैं यूज़ करता हूँ मेरे गानों के लिए, उसका नाम है निवार NW700 और कम बजट में ये काफ़ी बढ़िया कंडेंसर माइक्रोफोन है। थोड़ी सी दिक्कतें होती है हाई फ्रिक्वेंसीज पे, मगर ओवरऑल मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ और पिछले 3-3.5 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। बट नाउ इट्स टाइम टू अप द गेम अ बिट। आने वाला है ड्रम रोल, रोड का NT1A माइक्रोफोन। आइए स्वागत करते हैं रोड के NT1A माइक्रोफोन का। ये गिफ्ट है मेरी वाइफ की तरफ से मेरे लिए, सो अ बिग थैंक्स टू हर। ये माइक्रोफोन मेरे पास एक सप्ताह पहले ही आ चुकी है, मगर अभी तक मैंने इसे खोला नहीं है क्योंकि मैंने सोचा कि फर्स्ट टाइम लेट मी ट्राई सम अनबॉक्सिंग ऑन माई चैनल। अब आप कहोगे अनबॉक्सिंग, यार अब तुम अनबॉक्सिंग भी करोगे? अनबॉक्सिंग नहीं करूँगा मैं रेगुलरली इस चैनल पे। माई चैनल इज़ नॉट अबाउट अनबॉक्सिंग। यूजुअली मैं जो काम ठीक करता हूँ वही करूँगा, गाना गाता हूँ गाना गाऊँगा, मगर क्योंकि ये गिफ्ट स्पेशल है तो आज अनबॉक्सिंग करते हैं इसका। ये रहा अमेज़ॉन का पैकेट। ये रहा NT1A का डब्बा। स्ट्रगल कर रहा हूँ बहुत इसे निकालने में। अच्छा, साइड में टेप है। ओके ओके, ये क्या बाहर क्या? अरे ये मिस हो गया एक। ये रहा अमेज़ॉन का पैकेट, ये NT1A का डब्बा और ये इधर हमारी पौड़ी हो रही है। कोई पौड़ी नहीं हो रही अभी फ़िलहाल, अनबॉक्सिंग हो रही है। और ये माइक फंसाते जिसमें क्या कहते हैं इसे, बूम स्टैंड शायद, पता नहीं, भूल गया मैं। कमेंट में बताओ क्या कहते हैं इसे। इसमें माइक होगा मोस्ट लाइकली क्योंकि इसमें केबल है। अरे सही, ये क्या भाई, काला और सुनहरा पाउच, बहुत बढ़िया। ये निकला जबरदस्त। ये देखें आप, और क्या खोज रहा भाई इसमें। अब ये जवाहरात थोड़े निकलेंगे, माइक था माइक निकला है। इसके अंदर होगी वायर, 6 मीटर बोला है तो 6 मीटर तो होना चाहिए। मैं नाप के देखूंगा अभी, 5 मीटर 80 सेंटीमीटर भी निकला ना वापस करूंगा इसे। ठीक है, मतलब ये XLR केबल है। ये मेरे पास केबल ऑलरेडी है जो मैं करंट माइक के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें लगा के मैं टेस्ट करूँगा। इसको फ़िलहाल मैं डब्बे के अंदर वापस डाल देता हूँ। जा भाई तू अंदर जा। ओके, फर्स्ट लुक, फर्स्ट इम्प्रेशंस बहुत ही ज़बरदस्त है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और वेट से आपको पता चलता है कि कुछ तो बात है इसमें। और ऐसे ही फेमस नहीं है,
बात तो होगी ऑब्वियसली, और मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से इस माइक को ख़रीदने के लिए, लेकिन थोड़ा सा महंगा है ये, बट थैंक्स टू माई वाइफ आई गॉट इट एज अ गिफ्ट फ्रॉम हर। और थोड़ा टेस्ट करते हैं इस माइक को, कंपेयर करते हैं इस करंट माइक से, इस माइक से, इस माइक से, और देखते हैं क्या डिफरेंस आता है वोकल्स में। चाहिए किसी साए में जगह, चाह बहुत बार है ना कहीं कभी मेरा दिल लगा, कैसा समझदार है मैं न पहुंचूं क्यों वहां पे, जाना चाहूं मैं वहां, मैं कहां खो गया, ऐसा क्या हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी रिचनेस है एक साउंड टेक्सचर में जो रिकॉर्ड होके आती है। आपको क्या लगता है, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे वीडियो पे, आपने क्या डिफरेंस फील किया दोनों रिकॉर्डिंग्स में। तो ये थी मेरे चैनल की पहली और शायद आखिरी अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो में लिखें आपको पसंद आया, अगर आपको पसंद नहीं आया तो लिख दें कि भाई ऐसा वीडियो आगे इसे मत बनाना, तो मैं नहीं बनाऊँगा, एज यू विश। अगर आपको ये वीडियो ठीक ठाक लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर ही डालिए। और चूंकि अब वीडियोस आते रहेंगे तो वो घंटे वाला आइकन है ना बेल नोटिफिकेशन, उसको भी दबा ही डालिए। मिलते हैं जल्दी।